नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल केम्बासिस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉइज़न के बारे में। दोस्तों, हम लोग जब भी पॉइज़न ये नाम हमारे दिमाग में आता है, तब कुछ केमिकल या एलिमेंट्स का नाम भी हमारे दिमाग में एक साथ आ जाता है, जैसे कि साइनाइड लाइक पोटासियम साइनाइड या फिर आर्सेनिक। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि इससे भी कई खतरनाक केमिकल या पॉइज़न इस दुनिया में नेचर में ही शामिल है। जिस पॉइज़न का फ्यू मिलीग्राम या माइक्रोग्राम अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो उससे इंसान का डेथ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं में से पांच सबसे खतरनाक पॉइज़न के बारे में, और ये पॉइज़न किससे बनता है और इसका लीथल डोज क्या है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कोई भी पॉइज़न कितना ख़तरनाक है वो जानने के लिए एक यूनिट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है LD50। तो ये LD50 आखिर क्या है? तो मान लीजिए कोई एक केमिकल या पॉइज़न है जिसका LD50 वैल्यू है 1 माइक्रोग्राम पर kg। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई 70 kg ऐसा वजन वाले कोई एक आदमी इस जो पॉइज़न है उसका 70 माइक्रोग्राम किसी भी तरह से उसकी बॉडी के अंदर अगर प्रवेश कर जाता है, तो ऐसा 50% चांस है कि उस पॉइज़न से उसका डेथ हो सकता है। इसीलिए ये जो वर्ड LD50 ये यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया कि आखिर ये LD50 क्या है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं पहला सबसे खतरनाक पॉइज़न के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, नंबर वन जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो आता है जिसका नाम है बोटुलिनियम टॉक्सिन, तो ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि एक तरह का प्रजाति का बैक्टीरिया होता है, वो अपने बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज करता है। तो ये प्रोटीन एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है, मतलब ये प्रोटीन हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन्स होता है वो न्यूरॉन को अपना काम नहीं करने देता। तो बेसिकली हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है वो हमारे बॉडी को कुछ इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है, और इसीलिए हमारे बॉडी में जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन या जो भी फंक्शन होता है उसके लिए न्यूरॉन बहुत ज़िम्मेदार है। लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिन अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो वो न्यूरॉन ठीक से काम नहीं करता, और ठीक से हमारे बॉडी के अंदर उसका मैसेज या जो भी काम है वो ठीक से कर नहीं पाता। तो दोस्तों, ये जो टॉक्सिक है जिसका नाम है बोटुलिनियम टॉक्सिन, उसका लीथल डोज कितना है पता है आपको? दोस्तों, उसका लीथल डोज है 1 से लेकर 3 नैनोग्राम तक। इसका मतलब अगर आप एक के पीछे 9 शून्य लगाएंगे तो जो संख्या होगा उसको अगर 1 ग्राम के उतना भाग, मतलब 1 ग्राम को अगर उतना ज़्यादा पार्टिकल में या उतना ज़्यादा संख्या में डिवाइड करेंगे 1 ग्राम के सब्सटेंस को, मतलब 1 to the power 10 to the power 9 इतना संख्या में अगर भाग करेंगे तो उसमें जो छोटा संख्या निकलेगा उसका नंबर है 1 नैनोग्राम। तो वो 1 नैनोग्राम है इसका लीथल डोज, मतलब ये हमारा बॉडी के पर केजी में अगर 1 या 3 नैनोग्राम से ज़्यादा चले जाए तो इससे ही आदमी का मौत हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक एक केमिकल है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को जान के ये बहुत हैरानी होगा कि ये जो टॉक्सिन है वो एक तरह का थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटी एजिंग थेरेपी, जिसको बोटुलिनियम थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आदमी का एज के साथ साथ बॉडी में या फेस में जो रिंकल आता है वो रिंकल ना आए, इसके लिए एक तरह का थेरेपी यूज़ किया जाता है जिसमें ये टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो सर्जरी जो लोग करते हैं, जो डॉक्टर्स लोग करते हैं, उसको हाईली ट्रेंड या प्रोफेशनल होना पड़ता है, क्योंकि ये केमिकल का मात्रा ड्यूरिंग दैट सर्जरी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आदमी का डेथ हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये तो हो गया बोटुलिनियम टॉक्सिक के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइज़न के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, राइसिन करके एक
केमिकल होता है जो कि कैस्टर ऑयल करके एक प्लांट होता है उसमें ये केमिकल पैदा होता है। ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ये भी काफ़ी टॉक्सिक होता है। इसका लीथल डोज है 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी मान लीजिए सॉल्ट या फिर चीनी का एक छोटा सा दाना बराबर ये राइसिन अगर हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो उससे ही आदमी का डेथ हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या करता है कि हमारा बॉडी में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का काम ये होता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो एमिनो एसिड है उसको मिला के प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन कोई भी लिविंग बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स हमारे बॉडी में होता है जो प्रोटीन होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, लेकिन ये जो राइसिन है ये हमारे बॉडी में वो हमारा बॉडी में जो नेचुरली प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को हैम्पर करता है, इसलिए हमारे बॉडी में वो नेसेसरी प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं पाता है। इसीलिए धीरे धीरे ये अगर लीथल डोज के बराबर हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो धीरे धीरे एक आदमी को 3 से 5 दिन के अंदर उसका डेथ अनिवार्य है। इसलिए राइसिन इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये जो प्लांट्स जो कैस्टरल प्लांट्स है ये काफ़ी जगह पे अभी भी ओपनली उगाया जाता है। तो ये हो गया राइसिन के बारे में, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइजन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है एंथ्राक्स। तो ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। तो ये बैक्टीरिया एक तरह का स्पोर्स निकालते हैं या फिर स्पोर बनाता है, बहुत छोटा छोटा होता है वो स्पोर का साइज, और ये स्पोर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी ज़िंदा रह सकता है। इवन अंटार्कटिका के जैसा एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये स्पोर अपने आप को बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो ऐसा घटना देखने को मिला है कि कोई एक एनिमल जो ये बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ था वो 70 साल पहले इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन 70 साल बाद उसका जो ग्रेव है उसको खोदा गया और खोद के वो एनिमल को निकाला गया, और देखा गया कि 70 साल के बाद भी वो जो एनिमल है उसके अंदर ये स्पोर तभी भी ज़िंदा था। तो आप सोच सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कितना ख़तरनाक है। इसका लीथल डोज है 8,000 से 50,000 स्पोर अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो इससे आदमी का मौत हो सकता है। तो ये स्पोर जहाँ पे प्रवेश करता है थ्रू इंजेशन या इनहेलेशन जैसे तरीके से भी हो, जहाँ पे हमारे बॉडी में प्रवेश करता है वहाँ पे अल्सर होता है, और धीरे धीरे ये अल्सर और भी ख़तरनाक होने लगता है। उसके आसपास का जो लिम्फ ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग देखा जाता है, उसके साथ साथ वो बंदा या वो व्यक्ति जिसके अंदर ये वायरस प्रवेश किया है वो वोमिटिंग के साथ साथ ब्लड निकालना शुरू कर देते हैं, बहुत हेवी बुखार, इस तरह का बहुत सारे सिम्टम आना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐसा भी कुछ उदाहरण मिला है कि ये जो एंथ्राक्स ये जो बैक्टीरिया है उसको कुछ लोगों ने एज ए बायो वेपन भी यूज़ किया है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये हो गया एंथ्राक्स के बारे में, और आइए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइजन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों अभी तक मैंने जो 3 पॉइजन के बारे में आप लोगों को बताया वो उसमें से सभी या तो कोई बैक्टीरिया या फिर कोई प्लांट अपने बॉडी के अंदर नेचुरल उपाय में सिंथेसाइज करता है, लेकिन अभी मैं आपको जो पॉइजन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली मैन मेड पॉइजन है जिसका नाम है सारिन। तो ये एक तरह का लिक्विड पॉइजन है जो कि कलरलेस और ओडरलेस होता है, और ये पॉइजन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नार्व एजेंट होता है, और इसका जो टॉक्सिसिटी होता है वो साइनाइड के मुकाबले लगभग 500 गुना ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक पॉइजन है। तो ये जो पॉइजन है ये बेसिकली 2 तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। एक तो ये जो लिक्विड वेपर हमारे बॉडी में अगर हम लोग इनहेल करते हैं इस लिक्विड वेपर को तो उस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, या फिर हमारा स्किन में वो एब्जॉर्ब होके भी हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। तो इसका लीथल डोज बहुत ही कम है, ओनली 0.01 मिलीग्राम पर केजी, इतना ही लीथल डोज आपको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। और अगर आपके बॉडी में इससे भी कम डोज चला गया और अगर आप अनट्रीटेड रहे मतलब आप अपना ट्रीटमेंट नहीं किया,
तो भी आपको बाद में जाके बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया सारिन के बारे में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो केमिकल है ये कुछ कुछ जगह पे केमिकल वारफेयर में भी यूज़ किया गया है। एक बहुत ही फेमस जो इंसिडेंट है दैट इज़ सारिन गैस अटैक एट टोक्यो साबवे, वो फेमस जो गैस अटैक हुआ था नियर द टोक्यो साबवे, वहाँ पे ये केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट पांचवे पॉइजन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइजन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भी नेचुरल उपाय में पाया जाता है, जिसका नाम है टेट्राडोटॉक्सिन या फिर TTX। ये जो पॉइजन है ये पफर फिश नाम के एक तरह का मछली के अंदर पाया जाता है। ये पफर फिश के अलावा भी कुछ समुंदरी एनिमल जैसे कि ऑक्टोपस या फिर स्टार फिश, इसके अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक्सट्रीमली हाई पॉइजनस न्यूरोटॉक्सिन माना जाता है और ये इसका लीथल डोज बहुत ही कम है, 1 से 2 मिलीग्राम ही इसका लीथल डोज है। और ये अगर 1 से 2 मिलीग्राम लीथल डोज हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह से चला गया तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो सोडियम पम्प चैनल होता है वो सोडियम पम्प चैनल को या फिर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन और बॉडी के बीच में जो एक तरह का जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, इसलिए हमारे मसल में पैरालिसिस हो जाता है या फिर हमारा टेस्ट चला जाता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है। तो इस तरह से 6 घंटे के अंदर अगर ये जो लीथल डोज है 1 to 2 मिलीग्राम उससे ज़्यादा हम लोग हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो 6 घंटे के अंदर इसका आदमी का मौत अनिवार्य है। तो इतना ख़तरनाक या फिर टॉक्सिक होता है ये पफर फिश। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये जान के बहुत हैरानी होगा कि इतना टॉक्सिक होने के बावजूद भी ये पफर फिश जो फिश होता है ये एक बहुत ही पॉपुलर फूड आइटम है जापान में, तो इसे बहुत शौक से लोग खाते हैं। लेकिन ये फिश बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए कॉस्टली होता है कि इसको बनाने के लिए जो शेप होता है उसको एक्सट्रीमली ट्रेंड होना पड़ता है। क्योंकि ये जो फिश जब बनाया जाता है तो फिश को जब काटा जाता है काटने के समय पे वो फिश में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन रहते हैं, उस ऑर्गन में ही वो पर्टिकुलर TTX टॉक्सिन रहता है। तो इस टॉक्सिन को अच्छे से पहचान के उसको उस फिश से अलग करना ही वो शेप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, इसलिए वो शेप को बहुत ही ट्रेंड होना पड़ता है। और ये सब टॉक्सिक पार्ट उससे अलग होने के बाद ही बाकी फिश को पकाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पफर फिश इतना टॉक्सिक होने के बाद भी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये हो गया 5 एक्सट्रीमली पॉइजनस सब्सटेंस ऑन अर्थ इसके बारे में। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो इस तरह का मैं वीडियो भविष्य में भी फ्यूचर में भी डालता रहूँगा। अगर आपको मेरे YouTube चैनल केम्बासिस का ये वीडियो अच्छा लगता है और भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, तो फिर आपको जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक होने के बाद मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।